गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास सेकंड का जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे आवर होम, उसका आज हम लोग पढ़ेंगे कि कल हमने क्या किया था कि एक अच्छे घर के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दिस शुड बी सेपरेट रूम्स फॉर सेपरेट एक्टिविटीज़ इन ए गुड होम। मतलब जैसे कि हर घर में क्या होते हैं, रूम सेपरेट होते हैं, है ना, और हर सेपरेट रूम की अलग अलग एक्टिविटी है। ठीक है, जैसे कि किचन में क्या बनता है, खाना। ठीक है, सेपरेट बेडरूम होता है उसमें, है ना, वॉशरूम होता है। ठीक है, किचन एंड टॉयलेट शुड बी क्लीन। हमें किचन और टॉयलेट हमेशा कैसे रखनी चाहिए, क्लीन रखनी चाहिए, मतलब साफ़ सुथरी रखनी चाहिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ हाउस मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ हाउस में देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ हाउसेस, एक कच्चा हाउस और दूसरा पक्का हाउस। देयर आर टू ही मेन टाइप्स ऑफ हाउस होते हैं, एक कच्चा और एक पक्का। ठीक है, तो देखते हैं, पहला है कच्चा हाउस। कच्चा हाउस आर मोस्टली फाउंड इन विलेज। जो कच्चा हाउस होता है वो ज़्यादातर कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, गाँव, मतलब विलेजेस में देखने के लिए मिलते हैं। दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग हाउस। ये वे जो घर होते हैं ये बिल्कुल भी मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होते, आंधी तूफान आए तो इनका छप्पर, ऐसा बोल सकते हैं, उड़ जाता है। ठीक है, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते। दे आर बिल्ट बाय ये मर्ड, है ना, स्टो, तिनका, वुड, लकड़ी, बम्बू, बांस और भी कई चीज़ों से मिलके बने होते हैं। हट इज़ अ कच्चा हाउस, और जो हट है वो भी क्या है, वो भी कच्चा हाउस ही है, हट भी है, कच्चा हाउस ही है। ठीक है, पक्का हाउस आर स्ट्रॉन्ग हाउस। कच्चा हाउस कैसा होता है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन पक्का हाउस स्ट्रॉन्ग होता है। ये मोस्टली टाउन, मतलब टाउन्स और सिटीज़ में, शहरों और कस्बों में देखे जाते हैं, लेकिन जो कच्चा हाउस होता है वो मोस्टली विलेजेस में देखा जाता है। पक्का हाउस मेड ऑफ ऑफ ब्रेक, सीमेंट, वुड एंड स्टोन एंड और भी कई सारी चीज़ों से मिलके बना होता है, मतलब ईट, सीमेंट, वुड मीन्स लकड़ी, स्टोन मीन्स पत्थर, और भी बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना होता है। ठीक है, और जो कच्चा हाउस होता है वो मड, स्टोव, वुड, बम्बू और थोड़ी कुछ और चीज़ों से मिलके बना होता है। लेकिन बंगलो, फ्लैट्स, स्काई स्क्रैपर आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ पक्का हाउस। देखो, बंगलो हो गया, फ्लैट हो गया, स्काई स्क्रैपर्स हो गए, जो मतलब गगनचुंबी जिसे इमारतें बोलते हैं ना, बहुत ऊंची ऊंची, उन इमारतों को स्काई स्क्रैपर कहते हैं। ठीक है, बिग हाउस आर कॉल्ड बंगलो। जो बड़े बड़े घर दिखाई देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बंगलो बोलते हैं। फ्लैट जो होता है, फ्लैट आर हाउसेज बिल्ट टुगेदर इन ए सेम बिल्डिंग ऑन डिफरेंट फ्लोर्स। जो फ्लैट्स होते हैं वो बिल्डिंग तो बिल्कुल सेम होती है, लेकिन वो क्या होते हैं, अलग अलग फ्लोर्स पे बने होते हैं, जिनको हम लोग फ्लैट्स बोलते हैं। ठीक है, स्काई क्रैपर्स आर वेरी टॉल मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। जो स्काई क्रैपर्स होते हैं वो एक गगनचुंबी इमारतें होती हैं, बहुत ऊंची ऊंची। ये ज़्यादातर दीज आर फाउंड मोस्टली इन बिग सिटीज़। ये ज़्यादातर बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ में देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, देयर आर सम मोर टाइप्स ऑफ हाउसेज। और भी बहुत तरह के हाउसेज होते हैं। कुछ सम पीपल कीप ए मूविंग, सच पीपल आर कॉल्ड नोमड्स। जो लोग एक जगह नहीं रहते, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते, एक जगह से दूसरे स्थान पे आते जाते रहते हैं, मतलब स्थायी रूप से नहीं रहते, उनको नोमड्स कहते हैं। दे डू नॉट मेक हाउस, वो ये कोई अपना घर नहीं बनाते, क्योंकि बिकॉज दे डू नॉट स्टे एट वन प्लेस, क्योंकि एक जगह पे नहीं रुकते। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बिल्डिंग बनाने वाले लोग होते हैं, रोड बनाने वाले होते हैं, या जो ये और भी बहुत सारे काम करते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक प्लान के थ्रू कहीं पे एडजस्ट करते हैं, है ना, एक जगह पे काम करने के लिए वहाँ पे थोड़ा अपना कहते हैं झोपड़ी वगैरह लगाना, या इनकी गाड़ियाँ होती है वैन टाइप की, उसमें जाके रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग अपना गुजर बसर करते हैं। ठीक है, नोमड्स जो होते हैं ये एक टेम्परी हाउस में रहते हैं, जिसको हम लोग कारावेंस कहते हैं। लेकिन कारावेंस क्या होती है, कारावेंस जो होती है एक मूवेबल हाउस होती है, और ये व्हील्स के ऊपर चलने वाली, एक व्हील्स के ऊपर चलने वाला घर इसको बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो होता है, जैसे आपने देखा होगा जो बॉलीवुड में जो एक्टर्स वगैरह होती हैं, उनका क्या होता है, पूरा सेटअप होता है गाड़ी के अंदर।
ठीक है, तो वो क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो बहुत इजीली बेडरूम वॉशरूम किचन वगैरह पूरा एकदम सेटअप होता है गाड़ी के अंदर। तो आज हमने आज के वीडियो में क्या देखा, आज हमने देखा कि एक अच्छे घर के अंदर रूम सेपरेट होते हैं, ठीक है, किचन बेडरूम वॉशरूम ये सारा कुछ सेटअप अलग अलग होता है, और किचन और टॉयलेट को हमें हमेशा साफ रखना चाहिए। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ हाउसेज में कि हाउसेज में टू टाइप्स के होते हैं, कच्चा हाउस और दूसरा पक्का हाउस। जो कच्चा हाउस होता है वो ज़्यादातर हमें गांव में देखने के लिए मिलते हैं, और वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते, और वो किससे बने होते हैं, मड, स्टोव, वुड, बम्बू एंड और भी कई सारी चीज़ों से मिलके बने होते हैं। और हट भी क्या है, कच्चा हाउस है, ठीक है। पक्का हाउस क्या होता है, पक्का हाउस होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, मोस्टली टाउन मतलब कस्बों और सिटीज़ में देखने के लिए मिलता है, और ये ब्रेक, सीमेंट, आयरन, वुड, ठीक है, स्टोन और भी बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना है। मैंने उसके कुछ एग्जांपल बनाए, बंगलो, फ्लैट, एक्ट्रेस्ट्रा, सॉरी बंगलो, फ्लैट्स, ETC या एक्ट्रेस्ट्रा, ठीक है, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। और बंगलो किसको कहते हैं, जो बड़े बड़े घर दिखाई देते हैं उनको हम बंगलो कहते हैं, फ्लैट जो एक ही जगह पे अलग अलग फ्लोर्स रहती हैं उनको हम फ्लैट्स कहते हैं, स्काई स्क्रैपर्स किसे कहते हैं, जो वेरी बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग होती हैं, ठीक है, जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होती है उनको हम स्काई स्क्रैपर्स या मतलब गगनचुम्बी इमारतें कहते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली हमें बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ में देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। जो देयर आर सम मोर टाइप्स ऑफ हाउसेस, कुछ और तरह के घर होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो मूविंग करते एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, जिनको हम जो लोग एक जगह से इधर उधर नहीं जाते, जिससे को हम बंजारा या नोमड्स कहते हैं, ठीक है। जो ये जो होते हैं ये कोई अपना परमानेंट हाउस नहीं बनाते, मतलब परमानेंट घर नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि ये एक जगह रुकते ही नहीं है, ये एक जगह से दूसरी जगह इनका ट्रैवल होता रहता है। इनका जो घर होते हैं, जो जहाँ भी ये कुछ महीने या कुछ दिनों के लिए रुकते हैं वहाँ पे ये अपना टेम्परेरी हाउस तैयार कर लेते हैं। जैसे कि कारावैन, जो कारावैन होती है वो एक मूवेबल हाउस होती है, और ये किस पे चलती है, व्हील पे चलती है। तो आज की वीडियो में आज हमने इतना पढ़ा।